अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में सत्येंद्र जैन भी शामिल होंगे। मंत्री पद को सत्येंद्र जैन कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं, इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद ने उनसे बात की। हमारे साथ हैं अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट के नए मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन। उन्होंने मेहनत की और पिछली बार भी उन्हें मंत्री पद दिया गया था, इस बार भी दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब क्या चुनौतियां होंगी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, उनका काम करेंगे? देखिएगा, जनता ने जो हमारे को मैंडेट दिया है, 70 में से 67 सीट्स दिए हैं, तो 70 ही हमारे मुद्दे हैं। 70 मुद्दे हमने जनता के सामने रखे हैं, सभी पे काम करेंगे, डे वन से काम करेंगे। डे वन से क्या, अरविंद जी तो दो दिन पहले से स्टार्ट कर ही चुके हैं, सभी के ऊपर काम करेंगे। स्टार्टिंग में जैसे कहा गया ना, बिजली और पानी तो शायद नेक्स्ट 3-4 डेज में हम इसको कर ही देंगे पूरा। 70 के 70 मुद्दों पे पहले दिन से काम किया जाएगा। डिलीवरी में कोई मुद्दा 2 दिन में खत्म होगा, कोई 2 महीने में, कोई 2 साल में, सब पे काम किया जाएगा। पिछली बार हेल्थ था, इस बार आपको क्या मिलने वाला है कुछ अभी तक? अरे सर, उसमें कुछ बात नहीं है, तो जो भी होगा, पहली बात तो अभी पता लगे ना कि हाँ जी फाइनल कौन है। अभी तो राष्ट्रपति के पास फाइल भेजी गई है, अभी फाइनल नहीं है किसको बनाया जा रहा है, क्या बना। अब कैसे रणनीति तैयार करेंगे, जो भी अगर मंत्री पद मिलता है तो पोर्टफोलियो जो भी मिले, रणनीति क्या होगी? क्या पिछली बार की तरह सरप्राइज जाके विजिट करेंगे आप? अरे सर, मैंने बताया रणनीति ये है कि हमारे जो 70 मुद्दे हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है भ्रष्टाचार, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। लोग त्रस्त हैं भ्रष्टाचार से। हमने पिछली बार कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे, अब हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे। दिल्ली के मंत्री के परिवार में क्या इस समय गतिविधि चल रही है? परिवार की जो होम मिनिस्टर हैं, यानी आपकी वाइफ और बच्चे, क्या कह रहे हैं वो आपको? सर पहली बात तो मैं बताऊँ ना, अभी तक तो ये फाइनल ही नहीं हुआ है कि मंत्री कौन है। हमें 2 मंत्री का पता है, एक मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं सचिन सिसोदिया जी। बाकी का तो कुछ पता ही नहीं अभी कौन बन रहा है, जो कंफर्म होगा तो पता लग जाएगा। आने वाले 48 घंटे बिजली और पानी के लिए अहम होंगे, अरविंद भी बोलते आए हैं। नहीं देखिएगा, ये कहना कि 48 होंगे या 49 होंगे, इस झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। जल्द होंगे, बहुत जल्द होंगे, बिजली और पानी को बहुत जल्द कर दिया। उससे पहले तो हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं ना, भ्रष्टाचार तो आप नेक्स्ट 12 घंटे में खत्म कर रहे हैं सर। दिल्ली के अंदर कल से भ्रष्टाचार होना बंद, और जो भ्रष्टाचार करेगा वो अपने रिस्क के ऊपर करेगा। ये ना कहे कि ये मेरे ट्रक से टक्कर हुई और मेरे साथ क्या हुआ, सर ट्रक से टकराने जा रहा है अगर कल से कोई भ्रष्टाचार कर रहा है। ये हमारे साथ हैं अरविंद केजरीवाल के टीम के सबसे अहम सिपहसालार। अब ऐसे में अगले 24 घंटों में अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान से एक अहम घोषणा करने वाले हैं। सूत्रों की बात माने तो वो घोषणा बिजली को लेकर है, यानी जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए उसको वो पूरा करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।